बच्चों, कैलकुलस के पार्ट टू में आज हम आगे की प्रॉब्लम देखेंगे और ग्राफ का यूजेज भी करेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन हम लेके आए हैं लिमिट वाला, तो इसके लिए पहले हम एक फॉर्म समझते हैं जिसका जनरली यूज होता है। तो इसमें पहली प्रॉब्लम हम लेते हैं एक घात अनंत फॉर्म की, इसी की हमें आज बात करनी है। चलिए शुरू से देखते हैं। एक घात अनंत फॉर्म किस तरह चेक करेंगे पहले ये समझना है, और फिर सूत्र क्या होगा इसका। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पर जनरल हम बात कर रहे हैं तो एल ले लेते हैं, यानी लिमिट एक्स टेंस टू एल एफ एक्स की पावर जी एक्स, इस तरह की प्रॉब्लम हो और फॉर्म चेक करने में एक घात अनंत आ रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें सीधा एक सूत्र याद रखना है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो या जो भी लिमिट होगी एल एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, जो भी लिमिट दी गई होगी उसी के हिसाब से हम बना लेंगे। इधर और साफ साफ लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू एल एफ एक्स की पावर जी एक्स, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और फॉर्म चेक करने में ये आ रही। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, जो लिमिट की वैल्यू है वो होगी लिमिट ई की पावर लिमिट एक्स टाइम्स टू जो भी लिमिट है वो आएगी, और एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, और फिर बहुत आसानी से प्रॉब्लम लिमिट की तरह सॉल्व कर ली जाती है। तो आप इसका सीधा सूत्र याद रखेंगे, इस पर जनरली काफ़ी सालों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम इसी तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें लिमिट एक्स टाइम्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री और पूरे की पावर है x। तो अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करें, तो जब हम अनंत रखेंगे यहाँ पे, तो पहले हम एक्स स्क्वायर ही डिवाइड करेंगे। यानी अगर हम इतना क्वेश्चन भर आपसे पूछें कि x टाइम्स टू इन्फिनिटी पर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री अपॉन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और लिमिट लेंगे, तो ये वैल्यू आएगी एक, जिसकी ट्रेंडिंग वैल्यू एक है क्योंकि कोफिशियंट दोनों का एक है, और अनंत रखने पे यहाँ अनंत आ रहा है, तो इसका मतलब ये एफ एक्स घात जी एक्स बिल्कुल है। अब हम इसको सीधे सूत्र में रखेंगे तो लिमिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी डायरेक्ट, तो ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू अनंत, यहाँ लिमिट अनंत है और ये एफ एक्स है पूरा, तो ये माइनस वन होगा, ये माइनस वन इंटू जी एक्स, जी एक्स का मतलब एक्स। अब एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ जो आएगा तो क्या क्या कटेगा, ये आपका बचेगा फोर एक्स ऊपर, और एक्स का गुणा होगा तो फोर एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। अब हम इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट में जो सबसे बड़ी पावर है उसे डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद लिमिट ले लेंगे, तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे और अनंत रखने पर, और ऊपर से बचेगा आपका चार, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर फोर, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर पहला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम जनरली पूछी जाती हैं, तो आप डायरेक्ट सूत्र से करेंगे और तेजी से सूत्र से आप कर सकते हैं, सूत्र आपको याद रखना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ए बटे एक्स बराबर के, तो के का, तो हमें बेसिकली ये सॉल्व करना है। अगर हम एक्स इक्वल टू जीरो रखें तो लॉग थ्री माइनस लॉग थ्री अपॉन एक्स आएगा, यानी जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल से इजीली कर सकते हैं। चलिए लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, फिर थ्री प्लस एक्स का एक होगा, और यहाँ भी लॉग एक्स का एक बटे एक्स, फिर यहाँ माइनस वन मिलेगा, ध्यान रखेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, तो एक्स का एक। अब एक्स टेंस टू जीरो रख देंगे, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, वन बाई थ्री यानी क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री, तो के की वैल्यू हो जाएगी प्लस की टू बाई थ्री। इसको आप सिंपली इसमें के की वैल्यू पूछिए, कह रहा है एफ ए जी ए के है, यानी एक्स इक्वल टू ए पर एफ ए जी ए की वैल्यू के है, कुछ एन मान के लिए उनका अवकलन इतना विद्यमान है तथा बराबर नहीं है, यानी अलग अलग वैल्यू है, यानी एफ की पावर एन ए और जी की पावर एन ए विद्यमान है, इसका मतलब है एफ डैश ए जी डैश ए और एफ डबल डैश ए, ये सारी चीज़ें डिफाइन है, यानी एल हॉस्पिटल आप लगा सकते हैं। एक्स इक्वल टू ए पर देखिए ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, क्योंकि सब पर वैल्यू क्या दी है, के। अगर मैं एक्स इक्वल टू ए रखता हूँ यहाँ फॉर्म चेक करने के लिए, तो ये आएगा एफ ए इंटू जी ए माइनस एफ ए जी ए एफ ए प्लस जी ए, तो ये जीरो बन रहा है और अपॉन में भी जीरो आएगा, क्योंकि अपॉन में आएगा जी ए माइनस एफ ए और दोनों की वैल्यू के है, तो के माइनस के जीरो हो जाएगा, यानी हम एल हॉस्पिटल यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब हम एक्स के सापेक्ष अंश का अलग अवकलन करेंगे, हर का अलग, एफ ए कॉन्स्टेंट है जी एक्स का होगा, एफ ए कॉन्स्टेंट है और जी एक्स का होगा जी डैश एक्स, और इस एफ ए का जीरो हो जाएगा, और फिर आगे है जी ए इंटू एफ एक्स, तो जी ए इंटू एफ डैश एक्स और जी ए का जीरो हो जाएगा, अपॉन जी डैश ए माइनस एफ डैश जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ये अपॉन का हो गया। अब ऊपर हम एफ ए जी ए की वैल्यू रख सकते हैं, तो एफ ए और जी ए की वैल्यू के है, तो मैं ऊपर के कॉमन लेता हूँ, और के कॉमन लूँगा तो ये बचेगा, यहाँ से देखिए एफ ए और जी ए की वैल्यू मैं के रख दूंगा यहाँ, क्योंकि हमें ये के गिवन है, के रखने के बाद के कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर बचेगा जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन, नीचे भी यही बच रहा है जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब हमें लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, अब लिमिट रखें भी या ना रखें, कुल मिला के ये पूरा क्या आ रहा है, के, और ये किसके इक्वल दिया है चार के, तो के की वैल्यू चार हो जाएगी। इसमें भी आपको पाई बाई टू रखने में जीरो बाई जीरो बन रहा है, तो इसको भी हम एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, वैसे हमें इस टर्म से कोई समस्या नहीं है, इस वाले टर्म से, क्योंकि पाई बाई टू रखने में भी पाई बाई फोर होगा तो ये टू आएगा, तो इससे आप डायरेक्ट ही इसको यहाँ बाहर कर सकते हैं, जो टर्म जीरो बना रहे हैं उन्हें हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स टेंस टू पाई बाई टू, तो इन टू में कोई सी की अगर डेफिनेट वैल्यू आ रही है तो आप लिमिट ले सकते हैं, यानी मैं इतने की लिमिट लेके ये टेन पाई बाई फोर बनेगा, इसका मान एक होता है तो एक बटे दो को मैं बाहर कर सकता हूँ। अभी यहीं लिखते हैं, वन माइनस टेन एक्स बाई टू, वन माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस टू पाई का क्यूब, तो एक बटे दो मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया, एक्स इक्वल टू हम लिमिट प्लस एच भी रख सकते हैं ताकि ये गायब हो जाए, और फिर हम और डायरेक्ट एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं सीधा सीधा दो फलनों से, एल हॉस्पिटल हमें तीन बार लगाना होगा, तो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन है, चलिए मैं आगे भी कर देता हूँ। एक बटे दो मैंने बाहर ले लिया, एक्स टेंस टू पाई बाई टू, वन माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस साइन एक्स, इसका हम वैसे टू टेन एक्स बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू वाला खोल सकते हैं, बाद में देखते हैं, ये है, चलिए खोल देते हैं, टू टेन एक्स वाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन में है एक्स माइनस टू पाई का क्यूब, तो ये स्क्वायर बन जाएगा यहाँ, और बटे वाले से हमें कोई समस्या नहीं होगी, तो ये क्यूब हो जाएगा। अब हमारा काम क्यूब क्यूब से बन जाएगा, देखिए वन बाई टू एलसीएम लेंगे तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू फिर आएगा, और फिर हम यहाँ पर एक्स बराबर पाई बाई फोर रखेंगे तो ये फिर दो मिलेगा, तो एक बटे चार बाहर कर लीजिए, और ऊपर बचा है वन माइनस टेन एक्स वाई टू का होल क्यूब अपॉन, ये स्क्वायर बनेगा और एक पहले से है तो क्यूब हो जाएंगे, अपॉन में है एक्स माइनस टू पाई का क्यूब। अब हमें इतने की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, और लिमिट है आपकी एक्स टेंस टू
पाई बाई टू। अब आप चाहें तो एक्स इक्वल टू लिमिट प्लस एच भी रख सकते हैं और एल हॉस्पिटल भी अलग अलग लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल से आपको तीन बार करना होगा, तो उससे बचने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक्स इक्वल टू लिमिट प्लस एच रखता हूँ, तो नई लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू जीरो और हम एक्स की जगह रखेंगे लिमिट प्लस एच। तो टेन वन बाई टू एक्स की जगह रखा जाएगा पाई बाई टू प्लस एच अपॉन एक्स की जगह आएगा पाई बाई टू प्लस एच माइनस टू पाई, पूरे का क्यूब है, यहाँ इसका क्यूब है और इसका भी क्यूब है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ये आपका बचेगा एच, ये घट जाएगा और इधर पाई बाई फोर प्लस एच बाई टू हो जाएगा। फिर हमें दोनों को यहाँ पर तोड़ना होगा, तोड़ने के बाद फिर ये टेन थीटा बटे थीटा बनेगा। और इसको अगर हम शुरू से लिमिट प्लस एच करते हैं तो भी कैलकुलेशन आपको इतनी करनी पड़ेगी, ठीक है, और दो दो बार अवकलन करके भी कर सकते थे यहाँ पर जो होल क्यूब है। तो चलिए मैं अवकलन से भी देख लेता हूँ और थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, और यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भी कैलकुलेशन है। देखिए एच टेंस टू जीरो, इधर मैं गुणा करूँगा तो वन माइनस टेन पाई बाई फोर प्लस एच बाई टू और अपॉन ये आपका आएगा टू पाई में से पाई बाई टू घटा देंगे तो माइनस थ्री पाई बाई टू, तो एच माइनस थ्री पाई बाई टू का क्यूब। अब हमें साइन कॉस से बदल के यहाँ लिमिट सॉल्व करनी होगी, पूरी कैलकुलेशन हर तरीके में है। और एल हॉस्पिटल से करेंगे तो यहाँ पर दो फलन का करना होगा आपको, इन दोनों का, और एक फलन ये हो जाएगा, इसकी लिमिट सीधे ले लेंगे बाहर, इससे भी आप कर सकते हैं और होल स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। तो मैं होल वाला भी एक इसका जो अल्टरनेटिव है उसको भी देख लेता हूँ। देखिए एक्स टेंस टू पाई बाई टू में साइन कॉस बदलना होंगे इसको, वन माइनस टेन एक्स बाई टू को एक बटे दो बाहर ले लेंगे तो ये आपका आएगा साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू। चलिए साफ लिखते हैं हम इसको यहाँ पे, तो पूरा जो क्वेश्चन था उसमें एक बटे दो में बाहर निकाल रहा हूँ टेन वाले को और ये था वन माइनस टेन एक्स वाई टू, तो इसको मैं साइन कॉस में बदला हूँ और इधर था वन माइनस साइन एक्स, इसको भी हाफ में बदलना है साइन एक्स को, टू साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू अपॉन में था एक्स माइनस टू पाई का क्यूब। अब देखिए ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स वाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई फोर, और इसका भी एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, और लिमिट एक्स टेंस टू कितनी है पाई वाई टू है, सॉरी, तो अब मैं इसका यहाँ एलसीएम लूँगा तो ये कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू उसी का ये है, तो ये क्यूब हो जाएगा। देखिए एक्स टेंस टू पाई वाई टू एलसीएम लेंगे तो कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू, एक्स माइनस टू पाई का क्यूब, और इधर आपका हो जाएगा कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, तो अब ये क्यूब हो जाएगा। इसका हम दो दोबारा अवकलन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, तो यहाँ से भी ये किया जा सकता है, यहाँ फार्मूला भी बना सकते हैं टू पाई का, पाई माइनस एक्स वाई टू का भी बना सकते हैं पाई कॉमन लेके, तो यहाँ से कुछ छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और ये बराबरी स्क्वायर है, तो देखिए जब सबसे पहले हम अगर फॉर्म चेक करने जाएं इसकी, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ये दो टर्म जीरो हो रहे हैं, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, तो एक की पावर अनंत फॉर्म है ये, दो गुणा अनंत अनंत होगा, तो वन की पावर इन्फिनिटी के लिए हम सीधा सूत्र जानते हैं और वो होता है लिमिट ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जो भी लिमिट दी गई हो, तो इन्फिनिटी है एफ एक्स माइनस वन, ये एफ एक्स होता है और इसमें माइनस वन होगा और इन टू में होता है जी एक्स, और जी एक्स है आपका टू एक्स, तो देखिए वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर टू एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू ए प्लस बी अपॉन टू बी अपॉन एक्स, और इक्वल टू हमें दिया है
ई स्क्वायर। अब हम लिमिट ले लेंगे, जब लिमिट लेंगे तो ये टर्म फिर जीरो हो जाएगा, टू बी अपॉन इन्फिनिटी आएगा, तो सिर्फ बचेगा ई की पावर टू ए, और इक्वल टू किसके दिया है, ई की पावर टू के, तो यहाँ से ए हमें मिल जाएगा एक। तो ए तो एक है, ये कन्फर्म है, और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बी कुछ भी हो, जब एक्स अनंत रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू वन एंड बी कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो इसका आपका आएगा सेकेंड वन। ठीक है, ए इक्वल टू वन कन्फर्म है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, इनमें से था, तो बी टू क्या, बी कुछ भी हो हमेशा ये मिलेगी हमें लिमिट, इसलिए बी हमें कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है यहाँ पे। ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है, जनरली पूछी जाती है। तो देखिए अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो हमें क्या क्या पता रहेगा यहाँ से, कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा सी अपॉन ए। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो फॉर्म हम देखें तो फॉर्म 0/0 है। देखिए एक्स इक्वल टू अल्फा रखते हैं यहाँ पर, तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और इसका मान 0 है क्योंकि अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो अल्फा बीटा लाई करेंगे यहाँ, और रखने में ये भी 0 हो रहा है, तो ये एल हॉस्पिटल से 0/0 है, तो एल हॉस्पिटल हम यहाँ लगा सकते हैं। चलिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सीधे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0 कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, इसका 0 होगा, तो साइन एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसका भी होगा तो 2ax प्लस बी अपॉन में 2 × x माइनस अल्फा, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर अगर हम 0 देखें तो ये फिर से 0 बना रहा है, और हम इसमें x माइनस अल्फा x माइनस बीटा भी बना सकते हैं या दोबारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हम डिफ्रेंशिएशन ही करते हैं, क्योंकि ये जो टर्म आ रहा है 2a अल्फा प्लस बी, ये हमें दिक्कत नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू हम कभी भी रख लेंगे यहाँ से। हम फिलहाल एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, फिर इसका होगा तो 2ax प्लस बी फिर से हमें मिलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर 2ax प्लस बी। ठीक है, और ये पहले से ये था, अपॉन में आएगा 2 × x माइनस अल्फा, ठीक है, और x माइनस अल्फा का 1 हो जाएगा, ये फिर से एक होगा क्योंकि ये तो लाई करेगा इसमें, और अब हमें यहाँ वैल्यू रखनी है इसकी, तो देखिए x का मान हमें हटाना होगा, x का मान अल्फा भी है और एक बार बीटा भी है, तो x टेंस टू जब अल्फा रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2a अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2। अब हम 2a अल्फा प्लस बी, a की वैल्यू हमें रखनी है, हमें a और b नहीं चाहिए, a चाहिए सॉरी, b नहीं दिख रहा किसी भी ऑप्शन में, तो b की वैल्यू हमें रखनी होगी, और वो भी किसके टर्म्स में, अल्फा और बीटा के टर्म्स में, a आ सकता है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से माइनस a अल्फा माइनस a बीटा यहाँ पे, तो देखिए b की वैल्यू रखनी है 2l, b की वैल्यू है माइनस a अल्फा माइनस a बीटा का होल स्क्वायर बटे 2, तो देखिए इधर बचा आपका ए अल्फा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो आपका ये वाला हो जाएगा पहला, और इसको उस तरह भी लिख के कर सकते हैं यहाँ से, इसको हम अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ए इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ये भी लिख सकते हैं इसको, और 1 हटा के भी किया जा सकता है, 1 हटा के यहाँ से कॉस 2 थीटा वाले से, या साइन में बदल लेंगे इसे 1 हटाने के लिए, और फिर साइन थीटा बटे थीटा भी बना सकते हैं, मेरे हिसाब से एल हॉस्पिटल ज़्यादा बेटर है, और इससे थोड़ा सा आपका समय बचेगा। एफ सच डेट आर टू आर एक धन वर्धमान फलन है, जिसमें लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ थ्री एक्स अपॉन एक्स कितना है 1, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ टू एक्स बटे एक्स की वैल्यू पूछी है, तो देखिए वर्धमान फलन है आर टू आर में, तो वर्धमान फलन है अगर, तो मान लिया कि ये एक वर्धमान फलन एक्स के लिए, तो अब हमें बात करनी है एक्स टू एक्स और थ्री एक्स में, एक्स टू एक्स और थ्री एक्स, ये तो हमें क्लियर है कि एफ थ्री एक्स सबसे बड़ा होगा, और फिर होगा आपका एफ टू एक्स, और फिर होगा आपका एफ एक्स जब हम एक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो देखिए एफ थ्री एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू 1 है, एफ थ्री एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू 1 है,
तो इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ एफ एक्स से, ये रिलेशन होगा एफ एक्स से मैं डिवाइड कर दूँ तो एफ थ्री एक्स अपॉन एफ एक्स और ग्रेटर देन एफ टू एक्स अपॉन एफ एक्स और यहाँ बचेगा वन। तो इन्फिनिटी पे भी हम टेंड कराएंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी वन। तो ये ध्यान देंगे वर्धमान फलन पे ही, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर वन है तो टू एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू ही वन होगी इन्फिनिटी जब टेंड करेगा, तो लिमिट सेम होगी, वो वर्धमान फलन है इसलिए। ठीक है, एफ एक्स सबसे छोटा है, एफ थ्री एक्स एफ टू एक्स इस तरह होंगे घटते हुए क्रम में, एफ थ्री एक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर एफ टू एक्स होगा और फिर एफ एक्स होगा। हम यहाँ से ई घात एक्स लेके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब एफ एक्स इक्वल टू मैं ले सकता हूँ ई घात एक्स, ई घात एक्स ले लूँगा तो फिर यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करके उसको समझ सकते हैं। आगे इलेवेंथ वाले में देखते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम में अगर मॉड है तो लिमिट कभी परिभाषित नहीं होती। इसके पहले हम ये क्वेश्चन पे बात करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए का मॉड अपॉन एक्स माइनस, इस रूप की कोई भी लिमिट कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा होगा। ये इसलिए नहीं एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जब निकालने जाएंगे तो इक्वल होना चाहिए तभी लिमिट डिफाइन होती है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग आएंगी। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस राइट हैंड के लिए एक्स का मान इसे थोड़ा ज़्यादा होगा, उस केस में धन में खुलेगा तब वैल्यू इसकी एक आएगी, और जब एक्स थोड़ा कम होगा ए से तो ये माइनस में खुलेगा और उस केस में इसकी लिमिट आएगी माइनस एक। तो एक लिमिट एक आ रही है एक माइनस एक आ रही है, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, अगर कोई एक लिमिट पूछी जाए तो एग्जिस्ट कर सकती है। अगर सिर्फ इतना पूछा जाए लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, सिर्फ इतना पूछा यानी राइट हैंड लिमिट भर पूछी जाए तो एक हो जाएगी, अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड पूछी जाए तो माइनस एक हो जाएगी, ओवरऑल पूछी जाएगी तो डिफाइन नहीं। इसी तरह यहाँ होगा मामला, देखिए मैं सबसे पहले इसमें वन हटाता हूँ, रूट के अंदर जो चीज़ है उसे सॉल्व करेंगे और अंडर रूट वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर इसका हाफ होगा तो ये बचेगा एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, वन वन कैंसिल होगा रूट टू बाहर आएगा और अब यहाँ मॉड लगाना होगा तो रूट टू साइन एक्स बाई टू बटे एक्स बाई टू और इधर रहेगा मॉड। तो दो से ज़्यादा पे एक बार ये प्लस एक आएगा यानी इसकी एक लिमिट आएगी प्लस रूट टू और एक लिमिट आएगी माइनस रूट टू, इसका मतलब है कि लिमिट डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, ये फंक्शन है सच दैट आर टू, ये कोडोमेन दिया है जीरो से अनंत और एफ लिमिट एक्स टेंस टू फाइव एफ एक्स का अस्तित्व है यानी ये एग्जिस्ट एफ फाइव की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स का मान पूछा है। चलिए जो गिवन है इसी में आइए, तो लिमिट एक्स टेंस टू फाइव और एफ एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस फाइव का मॉड बराबर जीरो दिया है, पाँच पर ये जीरो हो रहा होगा और लिमिट की वैल्यू जीरो आ रही है, लेकिन ये लिमिट तभी डिफाइन होती है जब ये क्या होता है जीरो बाई जीरो। तो जब पाँच रखा जाएगा तो लिमिट एक्स टेंस टू फाइव पर ये हमारा होना चाहिए, ये तो जीरो आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू फाइव पर एफ एक्स का स्क्वायर, ये पूरा पाँच रखने पे ये जीरो हो रहा है तो पाँच रखने पे ये जीरो होना चाहिए यानी एफ फाइव का स्क्वायर ये वैल्यू होना चाहिए आपकी नाइन यानी एफ फाइव होना चाहिए आपका थ्री। ठीक है, तो एक्स बराबर जीरो पर पूछा है मान, तो जीरो के लिए हम सीधे इसमें जीरो रख दें, अगर एक्स इक्वल टू दे थ्री गुणा में जीरो हो जाएगा और जीरो पर भी ये थ्री ही आएगा। देखिए एक्स बराबर जीरो मैं यहाँ रखता हूँ, अगर इसको लिमिट लेके इसको यहाँ भेज देता हूँ तो ओवरऑल वैल्यू इसकी भी क्या होगी तीन, तो एफ फाइव एफ जीरो ये सब क्या होंगे तीन होंगे।
इसको भी आप एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं क्योंकि अवकलनी दिया है ए पर, एक्स बराबर ए पर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ए पर देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो रहा है, तो सीधे एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, टू एक्स एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश एक्स और अपॉन में वन माइनस जीरो। अब एक्स इक्वल टू ए रख देंगे यहाँ क्योंकि अब परिभाषित आ जाएगा, तो टू ए एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, ये आंसर हो जाएगा आपका, टू ए एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए चौथा आएगा। इसमें हमें जीरो पर अवकलनीयता और सततता चेक करनी, तो जीरो से कम और ज़्यादा पर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों हमें यहाँ निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं जो फंक्शन दिया है, और जीरो पर तो वैल्यू जीरो है, बाकी केस में ये है फलन, ठीक है। तो फंक्शन को हम लिख लेते हैं यहाँ दोबारा, एक्स ई की पावर माइनस वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और जब एक्स जीरो नहीं और जीरो पर वैल्यू जीरो डिफाइन है, हमें कुछ पॉइंट पे इसको चेक करना है। जीरो पे ही अगर हम चेक करने जाएंगे तो जीरो से ज़्यादा और कम पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या होता है। जीरो पे तो वैल्यू जीरो है, फंक्शन की वैल्यू जीरो है, अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ जाएगी तो सतत हो जाएगा ये जीरो पर, ये गिवन है हमें, तो सीधे हम इसी की जीरो पर लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जब राइट हैंड लेंगे तो ये जीरो से ज़्यादा पे यानी धन में खुलेगा, तब ये आएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स ई घात माइनस टू अपॉन एक्स। अब मैं अगर एक्स इक्वल टू जीरो रखता हूँ तो ई की पावर इन्फिनिटी ये जीरो आएगा और ये ही जीरो कर देगा इसे यहाँ, तो वैल्यू जीरो आ रही। अब जरा माइनस पे भी निकालते हैं, माइनस पे ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, देन ये कट जाएगा माइनस पे, जब एक्स थोड़ा छोटा होगा नेगेटिव होगा तो ये प्लस माइनस ही कट जाएंगे और इनटू में एक्स, और एक्स बराबर जब जीरो रखोगे तो ये तो एक ही रहेगा और जीरो पर ये भी क्या रहा है जीरो, इसका मतलब जीरो पर ये सतत है और सभी एक्स के लिए सतत एवं एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं, तो प्रत्येक जगह सतत, ये बात गलत है, चौथी बात भी गलत है। अब तीसरे और चौथे में देखना है, अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी और चेक करनी होगी जीरो पर, तो जीरो से ज़्यादा और कम के लिए हम चेक कर लेते हैं, अगर इक्वल होगा तो फिर आपका आएगा दूसरा, अदरवाइज आपका फिर ये आएगा तीसरा, ठीक है। सतत तो हर जगह है, चलिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लेते हैं और फिर जीरो रख के चेक करना होगा हमें उसको। तो देखिए कैलकुलेशन, तो राइट हैंड डेरिवेटिव सीधे निकालते हैं जीरो पर, तो जीरो से ज़्यादा के लिए फलन क्या आएगा, ये आएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दो फलन से, और इसका होगा तो वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। अब हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ये कट जाएगा, जीरो रखने पर ये आया ई की घात माइनस अनंत, और जीरो रखने पे ये आपका आएगा, ये जीरो हो रहा है और ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म, ठीक है, और ये ई घात माइनस अनंत ये भी जीरो बनेगा, और एक केस में तो ये आ रहा है, दूसरे केस में जब ये नेगेटिव होगा तो ये बचेगा आपका एक्स इंटू ई घात जीरो एक हो, तो एक्स भर आएगा और एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है एक, और यहाँ हमें एक नहीं आना है कभी भी। देखिए इसका भी हम करते हैं, अगर ये तो जीरो हो रहा है ई घात अनंत बटे मिला के एक बटे अनंत जीरो, और इसको हम सॉल्व करेंगे अगर ये, तो इसमें हम फॉर्म चेक करेंगे तो ये आपका अनंत आ रहा है, ये जीरो आ रहा है जीरो रखने पे, तो एल हॉस्पिटल भी अप्लाई नहीं होगा, तो ये जीरो पर अवकलनीय नहीं, अलग अलग वैल्यू आएंगी यहाँ पे, थर्ड वन हो जाएगा। इसमें भी आपको पाई बाई फोर जब नहीं है तो वैल्यू ये है, और जीरो से पाई बाई टू में ही सतत है, तो एफ पाई बाई फोर पूछा है,
तो सीधा सीधा ये है, पाई बाई फोर पे हम इसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों इक्वल आएंगी और वही आपकी पाई बाई फोर की वैल्यू होगी, क्योंकि पाई बाई फोर पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होगी, क्योंकि जीरो से पाई बाई टू में सतत है और पाई बाई फोर इनके बीच में पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पाई बाई फोर पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होगी और वही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी होगा। तो हमें सिंपली ये सॉल्व करना है, ये लिमिट की प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी, और जो कि जीरो बाई जीरो बना रही है, ये देखिए। तो अब हमें इसका एल हॉस्पिटल से कर लेना है, तो टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स और फोर एक्स का एक और पाई का जीरो। अब पाई बाई फोर रख देंगे अपॉन में चार, तो ये माइनस तो रहेगा और ये आपका हो जाएगा सेक पाई बाई फोर होगा रूट टू और इसका स्क्वायर तो टू, तो माइनस हाफ आएगा इसका, ठीक है। इसमें भी आपको कह रहा है कि इस फलन की सतत होने के लिए एफ जीरो इस प्रकार परिभाषित होना चाहिए कि, यानी जीरो पर ये जो फलन है, फलन में डोमेन में जीरो नहीं लिया है यहाँ पे, लेकिन कह रहा है कि एफ जीरो की वैल्यू क्या हो कि ये डिफाइन हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जीरो पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो भी आए वो इक्वल आए, तभी तो ये परिभाषित होगा एफ जीरो। तो चलिए हमें इसकी जीरो पर लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, इसकी जो भी वैल्यू होगी वही एफ जीरो का मान होगा। तो चलिए फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, ये है। अभी हम फॉर्म देखें तो अनंत, और ये आपका आ रहा है x इक्वल टू जीरो पर हम फॉर्म देखें तो ये अनंत आएगा और जीरो पे ये भी अनंत आएगा, तो ये अनंत माइनस अनंत फॉर्म है, ठीक है, जो कि डिफाइन नहीं होती है। तो चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, आगे बढ़ते हैं, पूरे को एक साथ लेके एलसीएम लेते हैं। अब हम जीरो रखते हैं तो अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, देखिए एक्स इक्वल टू अगर जीरो रखते हैं तो ऊपर जीरो आ रहा है नीचे भी जीरो आ रहा है। अब हम एल हॉस्पिटल यहाँ लगा सकते हैं, इसका अंदर गुणा कर लेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, ई घाट टू एक्स का ई घाट टू एक्स इंटू टू, वन का जीरो और इसका माइनस टू, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए पहले, तो ई घाट टू एक्स और टू एक्स ई घाट टू एक्स ये आएगा और एक्स का हो जाएगा एक। अब हम जीरो रखते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, देखिए एक्स इक्वल टू जीरो रखिए तो ई घाट जीरो एक हो जाएगा और ये दो माइनस दो क्या होगा जीरो और अपॉन में क्या आएगा जीरो रखने पे एक, अभी एक बार और होगा सॉरी क्योंकि ये अभी भी जीरो बाई जीरो बन रहा है, देखिए जीरो रखने पे एक आएगा, एक माइनस एक जीरो और ये भी जीरो हो रहा है, तो एक बार और करना होगा। तो मैं यहाँ पहले इसको लिख देता हूँ फिर दोबारा कर दूँगा, तो टू कॉमन ले लीजिए ये बचेगा और अपॉन में ई घाट 2x दो टर्म में है, चाहे इसको यही लिखा रहने दें चलेगा क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं दोबारा, यानी दूसरी बार करना होगा क्योंकि 0 बाई 0 ही है इसलिए, फिर से इसका होगा तो ई घाट 2x और 2x का 2 होगा, ये 4 कर सकते हैं यहाँ पे। अब इनका करिए ई घाट 2x इंटू टू, इसका करिए तो 2 ई घाट 2x और अगला हो जाएगा 4x ई घाट 2x और 1 का 0। अब x इक्वल टू जीरो रखते हैं, ऊपर चार बचेगा और नीचे जीरो रखने पे आएगा चार दो छः दो, ये चार दो छः दो आठ, ठीक है, जीरो रखने पे ये दो और ये जीरो होगा, सॉरी ये x इंटू में, तो नीचे बचेगा आपका सिर्फ चार और ऊपर भी बचेगा चार, तो चार बटे चार क्या होता है एक, ठीक है। तो दो बार एल हॉस्पिटल लगा के हम सिंपली इसे हल कर सकते हैं एल हॉस्पिटल से, और प्रसार याद है तो प्रसार खोल के भी किया जा सकता था इसका, वो भी बेटर है, उससे भी मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर देता हूँ बोर्ड लेवल के हिसाब से। यहाँ से इतना करने के बाद देखिए ई घाट टू एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स इंटू ई घाट टू एक्स माइनस वन, तो मैं इसका प्रसार तोड़ रहा हूँ यहाँ भी और यहाँ भी, देखिए क्या मिलेगा, वन प्लस टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, फिर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, बस दो टर्म बहुत हैं, माइनस वन माइनस टू एक्स रहेगा अपॉन एक्स, इसको भी तोड़िए टू एक्स अपॉन वन
और 4x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1, 1 यहाँ भी कटेगा, और ये देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर बचेगा अंश में जो बचेगा उसको लिखते हैं, फैक्टोरियल 2, और यहाँ सारे टर्म में x रहेंगे, इधर भी इसी तरह, ये देखिए यहाँ था माइनस 1, 1 काट दीजिए और x कॉमन ले लीजिए यहाँ से भी, तो यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, आगे के टर्म्स में x रहेंगे, इसे काट दीजिए, अब लिमिट्स लेंगे तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 2 और नीचे जब जीरो रखेंगे तो नीचे भी बचेगा 2, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, 1 भी यहाँ कटेगा ये वाला, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ से भी वही आएगा, इसमें हर जगह कह रहा है सतत है, तो पी क्यू के मान क्या होंगे, तो बस हमें सिंपली यहाँ ये करना है कि जीरो पर ही हमें टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, तो हमें बस इतना काम है यहाँ पे, क्योंकि सतत तो दे रहा है, एक्स बराबर जीरो पर हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल करानी है, इससे हमें पी क्यू मिलेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है क्यू, और राइट हैंड लिमिट होगी जीरो पर एक्स टेंस टू जीरो प्लस, इससे निकाली जाएगी अपॉन एक्स रूट एक्स से, और लेफ्ट हैंड लिमिट इस वाले से आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू, ये सब इक्वल कराएंगे अलग अलग इन्हें सॉल्व करेंगे, पी प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ जगह नहीं है और साफ लिखते हैं इधर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसमें मैं रूट एक्स कॉमन ले सकता हूँ, एक्स कॉमन यहाँ अंदर लूँगा तो बाहर रूट एक्स आएगा, फिर पूरे से रूट एक्स कॉमन लेके काट दीजिए इसे, तो ये आपका बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 बटे एक्स, और बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इधर है साइन पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, तो अब हमें लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली है इसकी, तो एलहॉस्पिटल ही लगा सकते हैं यहाँ पे, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, उसका एक होगा एक्स का एक होगा इक्वल, यहाँ भी लगा दीजिए, तो कॉस पी प्लस 1 इंटू एक्स इंटू पी प्लस 1 साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स का एक, अब जीरो रखिए इनमें, देखिए जीरो रखूँगे तो क्यू इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ रखेंगे तो 1/2 बचेगा, और इधर आएगा जीरो रखने में कॉस जीरो एक होता है, ये पी प्लस 1 कॉस जीरो 1 अपॉन 1, तो बस पी प्लस 2, तो क्यू बराबर 1/2 बराबर पी प्लस 2, तो एक वैल्यू तो 1/2 हो गई, तो और दूसरी जो वैल्यू है वो होगी आपकी पी प्लस 2 बराबर 1/2 यानी माइनस में आएगी, माइनस 3/2, ठीक है, पी माइनस 3/2 है, क्यू है 1/2, तो पहला ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है, लिमिट अलग अलग सॉल्व करनी है और बराबर कराना, साइन 1 अपॉन एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफाइन नहीं होता है, ऑसिलेट करता है, तो हमेशा असतत होगा साइन 1 अपॉन एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो चलिए कुछ डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम देखते हैं, तो जब भी बेस आपका कांस्टेंट ना हो, देखिए इधर बेस क्या है वाई, तो आपको ये बेस में रखते हुए डिफरेंशिएशन कभी नहीं करना है, तो इसको हमें अलग करना होगा, तो देखिए इसको हम तोड़ देंगे लॉग ए बेस बी वाली प्रॉपर्टी से, लॉग ए बेस बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो इसको ये लिख लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो वाई लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स, अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट सेकंड से होगा तो वाई, और इसका करेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई बटे डी एक्स, और लॉग वाई एज इट इज रहेगा, वाई का होगा डी वाई बटे डी एक्स, और लॉग एक्स का 1/x, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए डी वाई वाई डी एक्स, और बराबर बचेगा 1/x, तो डी वाई वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x इंटू 1 प्लस लॉग वाई, ये थर्ड वन आ जाएगा, इसमें भी सिंपली प्रॉब्लम मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन है और दोनों का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देना, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इसका निकालेंगे पहले वाले का, तो -3 साइन, और ये -6
कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का होगा माइनस साइन थीटा। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए प्लस हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर इंटू साइन। इसी तरह दूसरे का करते हैं डी वाई ओवर डी थीटा, दैट इज 3 कॉस थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें दोनों को डिवाइड करना है, हमें बेसिकली दो में एक का भाग देना है तभी हमें डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा। इस तरह डी थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर आएगा आपका ये वाला टर्म, इधर कॉमन है 3 कॉस थीटा, देखिए तो ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसी तरह इधर कॉमन है 3 साइन थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों देखिए कॉस 2 थीटा के सूत्र होते हैं, इसकी जगह कॉस 2 थीटा लिख सकती हैं और यहाँ भी तो ये कट जाएंगे, दोनों कॉस 2 थीटा के बराबर हैं, ये भी कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा कॉट थीटा, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन आएगा। ये इसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको पर्टिकुलर भी कर सकते हैं एन इक्वल टू 1 के लिए, तो ये चेक हो जाएगा। और दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, ये तो दिख ही रहा है ये, और यहाँ इसमें रखने पर वैल्यू क्या आएगी ये पूछ रहा है, तो हम दो के लिए भी प्रॉब्लम कर सकते हैं एन इक्वल टू 1 के लिए भी कर सकते हैं और यहाँ रख के चेक कर सकते हैं 1 के लिए, वही बेटर है। देखिए जैसे एन के लिए भी आ जाएगा, अगर मैं एन इक्वल टू 1 लेता हूँ तो ये बचेगा और डी वाई वाई डी एक्स क्या होगा फिर 1 प्लस 2 एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और एलसीएम ले लीजिए जरा इसका, एलसीएम लेंगे तो फिर से वही बन जाएगा और अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स, फिर इसकी जगह वाई लिख दीजिए, वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से इसका कर देंगे और यहाँ रख के चेक कर लेंगे। तो मैं पूरा सीधे एन के लिए ही करता हूँ, ठीक है, और ये पर्टिकुलर में भी बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, और यहाँ भी दोबारा करेंगे तो लगभग उतनी ही कैलकुलेशन है, तो आप पूरा जनरल ही करेंगे इसको। यहाँ मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, देखिए y इक्वल टू हमें दिया है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं सीधे x घात n से ही करता हूँ, तो इसका क्या होगा dy वाई ओवर डी एक्स और एन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। अब इसका होगा इनटू में जो फंक्शन है तो 1 प्लस 2 एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा मैंने यहाँ शॉर्ट में किया है इसका। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे 2 कटेगा, ये फिर n बना लेगा, तो n इंटू एक स्टेप और दिखा देते हैं, और इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होगा तो n बन जाएगा ये, फिर इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एन वाई बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक आ गए। अब हम पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे त्रिअक गुणा करके, तो थोड़ा कैलकुलेशन में हमें बचत रहेगी, यह सीधे आंसर से भी कर सकते हैं वो भी बेटर है, फिर हमें यहाँ वैल्यू रखनी होगी। देखिए डी वाई बटे डी एक्स आएगा एन वाई बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसका अंशवार से करता हूँ पुनः अवकलन, तो डी स्क्वायर वाई बटे, या ऐसा करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी वैल्यू आ सकती है वो भी आपका चलेगा, यहाँ से हमें एक वैल्यू फिर रखनी ही होगी, तो चलिए वैसे ही कर देते हैं क्योंकि उस तरह हमें लाना है, तो यहाँ पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका, ऐसे लिख लीजिए। अब दो फलन से करेंगे, देखिए फर्स्ट सेकेंड से तो पहले ही एज इट इज रहेगा, इसका होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब ये डी वाई वाई डी एक्स एज इट इज रहेगा और इसका होगा ये आएगा और इसका आएगा आपका एन वाई वन, ठीक, ये भी आपका वाई वन है और ये है आपका वाई टू। तो हमें किस फॉर्म में चाहिए ज़रा देखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, अभी और इसको सॉल्व करना होगा, देखिए तो ये आया आपका यहाँ तक अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू और ये आपका बचा वाई वन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और एन वाई वन। अब इतने से गुणा कर दीजिए, ये अपॉन में हमें नहीं चाहिए, तो इधर गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, इस तरह दिख भी रहा है। और ये आएगा वाई वन एक्स, और इधर होगा एन वाई वन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से, ये वैल्यू है यहाँ से रख सकते हैं, और हमें जिस फॉर्म में चाहिए उसी तरह इसको रख लिया जाएगा। देखिए हमें एक्स वाई वन इक्वल टू चाहिए पूरा, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, तो ये पूरा हमें इतना चाहिए। तो यहाँ इसकी हमें वैल्यू अब रखनी है, ये देखिए क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, y1 इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू एन वाई रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, यहाँ से इसको y1 लिखा जा सकता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये ध्यान अलग रखना इसे। तो y1 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू है एन वाई, इतने की वैल्यू एन वाई वहाँ रख देंगे इधर, तो एन स्क्वायर वाई हो जाएगा ये, और एन स्क्वायर वाई के इस ऑप्शन में है, ये है आपका सेकंड में बी ऑप्शन आएगा। ये फंक्शनल वैल्यू वाली इक्वेशन पर बेस्ड होते हैं इस तरह क्वेश्चन। देखिए इसमें एक फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, यहाँ से हम एक जनरल रिजल्ट होता है सिमेट्री में, हम वैसे यहाँ पाँच जीरो और इन पर भी बात कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके, लेकिन जब भी एफ डैश वगैरह पूछे तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला लगाइए, फंक्शन निकालने वाला जो तरीका है। तो इसका हम x के सापेक्ष करेंगे और y के सापेक्ष करेंगे, लेकिन आंशिक, जब x के सापेक्ष करेंगे तो y नहीं है, तो देखिए एफ डैश एक्स प्लस वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, तो एफ वाई ज्यों का त्यों रहेगा। अब एक बार जस्ट उल्टा करेंगे इसका तो वो आएगा एफ डैश वाई इंटू एफ एक्स, अब ये वैल्यू इक्वल करा देंगे, जब इक्वल कराएंगे ये तो ये आएगा एफ डैश एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ डैश वाई एफ एक्स, ये जनरल तरीका होता है। अब मैं इसी को लिख सकता हूँ और यहाँ लिख सकता हूँ एफ डैश वाई अपॉन एफ वाई। अब ये और ये सिमेट्रिक है तो बराबर में कांस्टेंट माना जा सकता है यहाँ पे, और कांस्टेंट मान के फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। यानी यहाँ से हमें मिला एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट। अब हमें जो वैल्यू दी है उस आधार पे हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, इसको मैं दोबारा भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए वैल्यू क्या क्या दी हैं, एफ फाइव गिवन है टू, एफ डैश जीरो गिवन है थ्री, और एफ डैश फाइव पूछा है, ठीक है। तो चलिए तो एक्स बराबर जीरो अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो पहले ही आपको मिलेगा एफ डैश जीरो बटे एफ जीरो बराबर के, और एफ जीरो के लिए हम जो बिल्कुल ओरिजिनल इक्वेशन दी है उसमें हम एक्स और वाई दोनों को जीरो रख देंगे तो आपको मिलेगा एफ जीरो बराबर एफ जीरो का स्क्वायर। तो एक एफ जीरो काट दीजिए तो एफ जीरो इक्वल टू क्या आएगा वन, क्योंकि एफ जीरो जीरो नहीं होगा, नहीं अनडिफाइन हो जाएगा, तो एक एफ जीरो काट दिया तो एक बचेगा तो इसका मान एक है, और एफ डैश जीरो कितना दिया है तीन, तो के की वैल्यू तीन आ जाएगी, के बराबर थ्री हो गया, तो यहाँ रख देंगे। अब हमें मिल गया एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्री एफ एक्स। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू जो पूछी गई है वो वैल्यू रख देंगे। तो हमसे पूछा गया है एफ डैश फाइव, एक्स इक्वल टू फाइव रख देंगे, तो देखिए एफ डैश फाइव हो जाएगा थ्री एफ फाइव, एफ फाइव कितना है टू, तो ये आपका सिक्स आएगा इसे। तो इस तरह की प्रॉब्लम जनरली पूछी जाती है, मैं इसको दोबारा भी आपको इसका जो तरीका है पार्शियल डिफरेंशिएशन का वो मैं समझा देता हूँ। और पार्शियल डिफरेंशिएशन से आप इस तरह के इक्वेशन में हमेशा फंक्शन आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें फंक्शन क्या गिवन था, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू था एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो मैंने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया है तो वाई को कांस्टेंट लिया है, तभी तो पार्शियल बोलेंगे इसे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और एक बार करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, देन एक्स कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए पहले हम पहला वाला करते हैं, एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स प्लस वाई, फिर एक्स का होगा तो एक, वाई का जीरो, क्योंकि वाई कांस्टेंट है तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं,
और यहाँ एफ वाई पूरा कांस्टेंट है, एफ एक्स का एफ डैश एक्स होगा, ये एज इट इज रहेगा। इसी तरह अब ये वाला करेंगे एक्स को कांस्टेंट मान के, तो यहाँ तो यही आएगा और इधर एफ एक्स एज इट इज रहेगा, एफ डैश वाई हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू बराबर करा देंगे यहाँ से, इक्वल है तो इक्वल होंगे जब, तो एक्स वाले टर्म एक तरफ और वाई वाले टर्म एक तरफ छांटे जाते हैं। पहले तो बराबर करा दीजिए, अब सेपरेट करेंगे तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू आएगा एफ डैश वाई अपॉन, तो इससे कोई एक रिलेशन ले लिया जाता है, एक्स वाई में सिमेट्री रहती है तो बराबर मान लेते हैं कोई कांस्टेंट। तो यहाँ से हम पहुँचे थे इस तरह एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बराबर के में, ठीक है। तो ध्यान देंगे किस तरह फंक्शन आया है, जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है यहाँ, यहाँ से भी हम ऑब्जर्व कर सकते थे यहाँ से, क्योंकि जो चीज़ हो रही है हो क्या रहा था, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू था एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू ई घात एक्स लूँ तो ये फुलफिल कर रहा है, देखिए एफ एक्स प्लस वाई का मान होगा ई घात एक्स प्लस वाई और एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर होगा। तो यहाँ से हम फंक्शन को कह सकते हैं फंक्शन था ई घात एक्स। एक ये भी तरीका होता है अगर सीधे ऑब्जर्व कर लेंगे आप, उस केस में फिर हम यहाँ से अगर ये पता हमें चल रहा है कि फंक्शन ई घात एक्स है तो फिर आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपको एक कांस्टेंट और वहाँ भी निकालना होगा, ठीक है। तो पार्शियल वाला एकदम जनरल है तरीका, वो पर्टिकुलर सोच के भी कर सकते हैं। ये तो प्रॉब्लम आसान है, इसमें देखिए इनकी वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं एन की पर्टिकुलर वैल्यू लेके भी कर सकता हूँ। तो मैं एन इक्वल टू थ्री ले लेता हूँ, ठीक है। जब थ्री यहाँ रखूँगा तो इधर आएगा आपका फैक्टोरियल थ्री, तो यहाँ तक हमें बात करनी होगी थ्री में, एन इक्वल टू थ्री है और एफ डैश एक्स एफ एक्स लिया है एक्स क्यू, तो मुझे तीन बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा फिर मैं वैल्यू चेक करूँगा। तो देखिए एन इक्वल टू थ्री ले लिया है मैंने, तो एफ डैश एक्स क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा सिक्स एक्स और वो आएगा सिक्स, तो एफ वन की वैल्यू वन है, एफ डैश वन कितना आएगा थ्री, एफ डबल डैश वन कितना आएगा सिक्स बाई टू और एफ ट्रिपल डैश वन कितना आएगा सिक्स अपॉन सिक्स। तो ये एक माइनस एक आया, इससे कैंसिल हुआ, ये जीरो आ रहा है। तो एक्स इक्वल टू तीन रखने पर, एन इक्वल टू तीन रखने पर जीरो आए, तो बस ये इसका मतलब है एन पे निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि इनमें किसी में जीरो नहीं आएगा।